मगर ये घोड़ा 10 लाख का है और नाम है चैंपियन। तो पता नहीं गाइस, मतलब घोड़े में क्या खासियत है, 10 लाख में तो एक कार लेकर घूमा जा सकता है, मगर डब्ल्यू है इसकी पर। अच्छा, तो इसका क्या मतलब होता है? डब्ल्यू फॉर वेलकम। अच्छा, किधर है डब्ल्यू? ये डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर, अरे गजब। तो गाइस हमारे साथ, तो गाइस ये सर्कस में इस्तेमाल किए जाने वाला घोड़ा है। ये इतना छोटा है, मगर ये छोटा नहीं है बल्कि इसका उम्र ज़्यादा है। ये इतना बौना घोड़ा जैसा इस घोड़े का, और ये पंजाब से घोड़ा आया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस घोड़े के साथ। ये ऐसे कहाँ करे था वहाँ? अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है बताइए। एक्चुअली जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो दौड़ने के बाद उसको बहुत ज़्यादा, उसका तो एक तो ब्रीदिंग हाई हो जाता है, पसीना आता है और थक भी जाता है। अच्छा, तो अपने आप को ऐसे लोट पोट करके वो, और वो पूरे शरीर पे जो धूल और मिट्टी चिपकता है ना, उसके बाद में जब वो उसको झाड़ता है या रगड़ा जाता है, तो उस पर रिलैक्स फील होता है। तो गाइज अभी बता रहे थे घोड़े के बारे में विवेक सिंह। घोड़ा तो देखे हैं, रोड पे भी देखे होंगे, गांव में, शहर में, सब जगह देखे होंगे। क्या इतना घोड़ा देखे हैं? लाल बादशाह जा रहा है, बहुत अच्छा राम कलाम, क्या बात है। हाँ हाँ ठीक है, घोड़ा देखते। अक्सर फिल्मों में देखे ही होंगे कि घोड़ा दौड़ता है तो धूल उड़ता है, और यहाँ रियल में देखिए, सच में बहुत धूल उड़ता है। मतलब कहना है कि मतलब दौड़ के, घोड़ा के दौड़वा के इसको मतलब फ्री किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, कोई घोड़ा मालिक से बात करेंगे। तो गाइस हमारे साथ हैं घोड़ा के मालिक, आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद राय। प्रमोद राय इनका नाम है। तो भैया जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि कब से घोड़ा रखते हैं? 10 साल से रखते हैं। अच्छा, ये दोनों घोड़ा आज सोनपुर मेले में बिकने के लिए आया है, जो कि सोनपुर मेला आज से आगाज हो गया है, 7 दिसंबर तक चलेगा। तो घोड़े को देते हैं क्या खाने के लिए? चोकर, भूसा, हरा चारा। जो पहला बार मतलब मेला में आया और घोड़ा ले लिया, खरीद लिया और रखना चाहे, तो कितना मतलब खर्च आ जाएगा उसको? एक घोड़े पर प्रतिदिन 200 रुपया 250 रुपया। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? बख्तियारपुर से। पर मान लीजिए ये घोड़ा बिक गया आपका, तो फिर मतलब घोड़ा लेना है? लेंगे। अच्छा, मतलब एक बेच कर दूसरा घोड़ा लेना जी। तो गाइज मतलब दुनिया में हर एक तरह के इंसान होते हैं, प्रमोद जी भी उसी तरह के हैं, पशु लवर्स हैं, मतलब पशु को चाहने वाले हैं, घोड़ा हमेशा से रखते आए हैं, और आज भी इनका 2 घोड़ा अभी सोनपुर मेले में बिकने के लिए आया हुआ है। हम अभी हैं घोड़ा बाजार में, चारों तरफ मेरे मतलब घोड़ा ही घोड़ा दिखेगा। आपका भी घोड़ा है क्या? जी हाँ, मेरे पास। किधर है आपका घोड़ा? मेरा घोड़ी है ये वाला, ये घोड़ी है और एक घोड़ा। हम लोग यहाँ से लेके चेन्नई ले जाते हैं। यहाँ से चेन्नई लेके जाते हैं, कोयम्बटूर जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तमिलनाडु ले जाते हैं। तो वहाँ क्यों ले जाते हैं? अपना शौक है, वहाँ पे काम धंधा है, तो वहीं पे जो है ले जाते हैं। तो कैसे ले जाते हैं? गाड़ी से ले जाते हैं? लारी से लेके जाते हैं। अच्छा, लॉरी से लेके जाते हैं। ये मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला है, पुष्कर हो, सारंगखेरा हो, सब इसके बाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सबसे पहले से जो है मेला चल रहा है, कितना 100 साल पहले से हमको भी मालूम नहीं। हाँ हाँ सही बात है, यहाँ पे। लेकिन ये जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर मेला, सोनपुर मेला बोले या सोनपुर हॉर्स फेयर बोले। लेकिन यहाँ पे जो है साउथ से भी व्यापारी लोग आते हैं, कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह का जो है। इधर में आपको बस घोड़ा घोड़ी भी मिल सकता है और व्यापारी भी मिलता है। तो आप मेन व्यापारी हैं या मतलब? नहीं, हम घोड़ा का शौकीन है, हमको जो पसंद होता है, हम घोड़ा का मालिक है जी।
तो आप कब से घोड़ा रख रहे हैं? मेरा वही 16 साल की उम्र से रखते हैं, ताकि खुद का। अच्छा, अपना आपका घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर महुआ बिहार। महुआ बिहार जी। तो महुआ से मतलब है, और आप वहाँ मतलब जो बोले कोयम्बतूर? चेन्नई, कोयम्बतूर में मेरा जॉब है। अच्छा, काम करते हैं। टाउन पंचायत में जो है नगर पालक है। हाँ हाँ, जॉब है। अच्छा, लेकिन घोड़े का ऐसा शौक लगा कि वहाँ भी रखना पड़ा। तो हर साल आप मतलब सोनपुर मेले में आते हैं? हाँ, अभी तो ये 3 साल बाद लगा है, इससे पहले 2-3 साल आए हैं। बाद बाकी जो है अपने पुष्कर जाते हैं, सारंग खेरा, ये अपना गांव का मेला है, इसलिए इस बार लगा तो चले आए। हाँ, 2 साल कोरोना के बाद मतलब लगा। टोटल कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये घोड़ा बिक जाता है इस मेले में, तो फिर इसके बाद क्या घोड़ा लीजिएगा नया? नहीं, जरूर लेंगे। अच्छा, मतलब एक बेच के मतलब घोड़ा लेने ही लेने? हाँ, हमारे पास अभी भी कोयम्बतूर में है एक घोड़ा। अच्छा अच्छा, एक घोड़ा है। अच्छा, तो आपका नाम क्या हो? मेरा हुआ CID रंजीत। CID रंजीत। CID लगाने का क्या कारण? वो मेरा टाइटल है वहाँ साउथ का। साउथ का CID, इसका मतलब भी कुछ है कि या टाइटल? अब जो रहे, अब जो समझिए। तो गाइज, अभी हमारे साथ थे CID रंजीत, महुआ से थे, और इनका घोड़ा है अभी यहाँ मतलब बेचने के लिए। अपने घोड़े को फ्री कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, इनका घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े का शौकीन है 16 साल की उम्र से। और अभी मतलब देखिए मेले में मतलब कितना दिन, ऐसे अंदाज आपको लगता है कि हर मेले में जाते हैं तो घोड़ा बिक जाता है? हम जाते हैं तो जहाँ तक के अपने लिए खरीदते हैं। अच्छा, अच्छा। बेचने का कम कोशिश करते हैं, बहुत कम, जो ना पसंद आया उसको बेचते हैं, नहीं तो अपन को जो पसंद आ गया वो इधर से 5 स्टेट हो से 6 स्टेट हो अपन लेके जाते हैं उधर में, फिर उससे जब मन बढ़ेगा फिर बेचेगा। सही बात है। हमको जो है घोड़ा का शौक है। शौक? अच्छा, घोड़ा आप रखते हैं तो एक घोड़े का मतलब मान लीजिए महीने भर का खर्च कितना आता है? महीने का मैक्सिमम आप साउथ का अगर लेंगे जहां हम लोग रहते हैं, तो वहां तो टाउन सिस्टम है, 400 रुपया प्रतिदिन पड़ता है एक घोड़े का। अगर अपने बिहार में लीजिए तो 200 समथिंग, यानी कि 200 समथिंग, 6,000 रुपया मतलब कि हाँ महीने का मतलब खर्चा है। खर्चा वहाँ रखते तो 12,000 खर्चा, वहाँ 12,000 कन्फर्म। अगर स्टाफ वगैरह नहीं है तो अपना करना पड़ेगा, अपना करना पड़ेगा। स्टाफ है तो उसका कोई हिसाब नहीं, स्टाफ लेगा जो अलग लेगा। मिनिमम खर्चा जो है 400 में आराम से कोई घोड़ा घोड़ी अधिक हो जाएगा, पाल सकते हैं। बिहार है तो 200। घोड़ा आप रखे हुए हैं 16 साल से, तो सिर्फ चढ़ने के लिए ही शौक से मतलब? शौक है बस, कि घोड़ा चढ़े जैसे राजा महाराजा चढ़ते थे। मेरा एक ही शौक है कि एक से एक बढ़ के हम घोड़ा रखे, ये नहीं कि हमको नाम कमाना है, वो नहीं। जो हम बोलेंगे वो बात मेरा मानना चाहिए घोड़ा, चाहे वो पैसा जो ले ले। तो गाइज, हमारे साथ थे CID रंजीत जी। जितना घोड़ा देखने में सुंदर लगता है, उससे कहीं ज़्यादा उसका बच्चा लगता है देखने में। ये सबसे मतलब छोटा मतलब बच्चा है, घोड़े का बच्चा है, घोड़ी का बच्चा, और ये मेले में सबसे बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसको मतलब इतना छोटा लग रहा है, इसको पकड़ के घर लेके चल जाए, और पता नहीं कितना दिन के बच्चा है ये तो जानकारी नहीं है। और घास खा रहा है बहुत अच्छे से, जवान है, जवान है ये, जवान है। अच्छा, तो इतना छोटा रहता ही है? सर्कस में पौना कैसे रहता है? अच्छा अच्छा, तो गाइस ये सर्कस में इस्तेमाल किए जाने वाला घोड़ा है। ये इतना छोटा है, मगर ये छोटा नहीं है बल्कि इसका उम्र ज़्यादा है। ये इतना बौना घोड़ा जैसा इस घोड़े का, और ये पंजाब से घोड़ा आया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस घोड़े के साथ। मतलब खासियत क्या है कुछ आप अपने से बता दीजिए। ये घोड़े का नाम बिजली है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये हाजीपुर का है। हाँ हाँ, हाजीपुर दिग्घी का। इधर से ये दो बार अवार्ड ले चुकी है। दो बार अवार्ड ले चुकी है? अवार्ड ले चुकी है। किस किस सिलसिले में? रेस में। अच्छा अच्छा, नित्यानंद राय से। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये 46 के स्पीड में चलती है। 46 के स्पीड में मतलब दौड़ जाए। अभी इसको हम लाए हैं डायरेक्ट हाजीपुर से, मतलब कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, इसको हम डायरेक्ट लाए पैदल आई।
और ये कितने साल से इसको रखे हुए हैं? इसको हम 2-3 साल से रखे हैं। तो गाइस आज से पहले कभी कोड़ा नहीं देखे थे रियल में, और ये है घोड़ा जिससे मतलब घोड़ा को मारा जाता है, मगर ये घोड़ा 10 लाख का है और नाम है चैंपियन, तो इसको कम मारा जाता होगा क्योंकि नाम ही है चैंपियन। इसको मारा ही नहीं जाता ये 100 में है, क्योंकि हर एक रेस मतलब ये जीतने का दावा करता है और जीत भी लेता है, इसीलिए इसका नाम भी चैंपियन रखा गया। 10 लाख का घोड़ा है, राजस्थान के बल्होत्रे मेले से इस घोड़े को लाया गया है, और सिंधिया प्रजाति का, सिंधी प्रजाति का। तो पता नहीं गाइस मतलब घोड़े में क्या खासियत है, 10 लाख में तो एक कार लेकर घूमा जा सकता है, मगर सब दुनिया में तरह तरह के भी लोग होते हैं, घोड़े के शौकीन है तो घोड़ा से ही घूमेंगे, कार से क्यों घूमना पसंद करेंगे। तो भैया जी इनके मतलब घोड़े का जो मालिक है उनसे मतलब मिलवा देते हैं आप लोगों को। तो भैया जी हैं तो हाय कर दीजिए भैया। तो आपका नाम क्या हुआ? बिट्टू यादव नाम हुआ मेरा। बिट्टू यादव कहाँ के रहने वाले? पटना चकारम। पटना चकारम के रहने, टैक्स के बगल में, इनकम टैक्स के बगल में। तो इन्हीं भैया जी का घोड़ा है जो 10 लाख का घोड़ा लेकर और इस मेले में रेस के लिए सिर्फ लाए हैं। डब्लू है सिर्फ पर। अच्छा, तो इसका क्या मतलब होता है? डब्लू फॉर वेलकम। अच्छा, किधर है डब्लू? ये डब्लू, अरे गजब। तो गाइस हमारे साथ हैं गौतम भैया हैं। अरे क्या हाल है, कब आए? बस अभी जस्ट आए, देख लिया आपको उधर से ना, तो चल आपके पास। तो घोड़ा तो बाद में है, पहले गौतम भैया से हम मिलो। तो ठीक है, थैंक यू